हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का, डिफाइन एंड क्लासिफाई ट्रेड। तो देखो इसका आंसर हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे अगर ये क्वेश्चन आता है। तो देखो डिफाइन एंड क्लासिफाई ट्रेड, ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, पहले ही बता चुका हूँ जो मैंने टर्म्स क्लियर की थी। तो ट्रेड मींस बाइंग करना एंड सेलिंग करना किसका, गुड्स को। अ ट्रेडर परचेजेस गुड्स, ट्रेडर क्या करेगा, गुड्स को परचेज करेगा फ्रॉम प्रोड्यूसर से जो उसको बना रहा है, और होलसेलर से, एंड सेल देम टू कंज्यूमर, और किसको बेच देगा, जो उस कंज्यूमर होगा। ठीक, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू टू, फर्स्ट वन इज इंटरनल ट्रेड एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड इज आल्सो नोन एज होम ट्रेड। तो देखो इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इंटरनल ट्रेड में हम क्या करेंगे, गुड्स को ख़रीदेंगे भी और बेचेंगे भी, गुड्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री, मतलब कि अपनी ही कंट्री में। पेमेंट ऑफ सच सेल आर मेड इन नेशनल करेंसी डायरेक्टली और थ्रू द बैंकिंग सिस्टम। जो हमने गुड्स को ख़रीदा और बेचा अपनी ही कंट्री में, तो उसकी जो मोड ऑफ ट्रांजेक्शन होगी, मतलब जो हम उसका पेमेंट करेंगे, तो किस में करेंगे, जो हमारी नेशनल करेंसी होगी या अपने बैंकिंग सिस्टम से। ठीक, इंटरनल ट्रेड मे बी डिवाइडेड इनटू होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को दो भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, फर्स्ट वन इज़ होलसेल ट्रेड एंड सेकंड वन इज़ रिटेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड क्या होता है, देखो इट इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ गुड्स इन लार्जर क्वांटिटीज टू द रिटेलर हु आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर। होलसेल के बारे में क्या कहा इन्होंने, मतलब क्या होगा, सेल ऑफ गुड्स इन लार्जर क्वांटिटीज़, जो होलसेलर होते हैं वो सामान को किस में बेचते हैं, लार्जर क्वांटिटीज़ में, किसको, रिटेलर्स को। तो रिटेलर्स कौन होते हैं, जो कंज्यूमर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। ठीक, होलसेल ट्रेड सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेल ट्रेडर्स। होलसेलर ट्रेडर क्या है, एक तरह का मीडिएटर है बीच का, किस किस का, प्रोड्यूसर का एंड रिटेल ट्रेडर का। देन रिटेल सेल क्या होती है, तो इट इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज टू द कंज्यूमर। रिटेल ट्रेड सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द होलसेल एंड द कंज्यूमर। रिटेल सेल क्या होता है, जब हम गुड्स को सेल करते हैं किस में, स्मॉल क्वांटिटीज में, किसको, कंज्यूमर को। तो रिटेल ट्रेड किसके बीच का लिंक है, होलसेल का एंड कंज्यूमर के बीच का। देन इसका सेकंड सब डिवाइडेड पार्ट क्या था हमारा, एक्सटर्नल ट्रेड विच इज़ आल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में देखो क्या है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाइंग भी करेंगे और सेलिंग भी करेंगे, किसको, गुड्स को, किस में, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं उसमें। व्हेन गुड्स आर मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, अगर गुड्स मतलब मूव करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो पेमेंट्स हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू द करेंसी ऑफ द कंसर्न कंट्री। तो उसकी जो पेमेंट होगी, तो वो पेमेंट की जो करेंसी होगी वो कन्वर्ट हो जाती है अपनी नेशनल करेंसी में, मतलब नेशनल करेंसी का मतलब है जिस भी कंट्री से जो गुड्स गया है उसी की कंट्री में पेमेंट उसकी मतलब करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। सच ट्रेड इज कंडक्टेड मोस्टली ऑन होलसेल बेसिस, मतलब इस टाइप का जो व्यापार होता है
मोस्टली किसका होता है, होलसेल बेसिस पे। इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू, मतलब इसको सब डिवाइडेड किया है एक्सटर्नल ट्रेड को, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंटरपोर्ट ट्रेड। तो इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है, इट मीन्स परचेजिंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। इम्पोर्ट का मतलब है गुड्स को क्या करेंगे, ख़रीदेंगे किसी अनदर कंट्री से, मतलब बाहर की कंट्री से। जैसे हम इंडियन हैं तो हम किसी अदर कंट्री से अपना कोई प्रोडक्ट परचेज कर लें, उनका प्रोडक्ट अपने इंडिया में मंगाएं, तो वो क्या होगा, इम्पोर्ट ट्रेड। अगर एक्सपोर्ट ट्रेड की बात करें तो इट मीन्स सेलिंग गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज, मतलब अपने इंडिया के प्रोडक्ट को किसी फॉरेन कंट्री में सेलिंग करना, इट मीन्स एक्सपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है, इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन फॉरेन प्रोड्यूसर एंड फॉरेन कंज्यूमर। मतलब कि इंटरपोर्ट ट्रेड में मतलब क्या होता है, गुड्स को आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं फॉरेन प्रोड्यूसर से और फॉरेन कंज्यूमर से। थैंक यू बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।